नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित मदर लिस्ट गुणांक में। ये सेकंड काउंसलिंग का लिस्ट है जो कि इसी डिस्ट्रिक्ट का रह गया है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट हो गया है लगभग, कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके। तो 69 शिक्षक भर्ती का ये 36,590 द्वितीय चरण में चयनित अभ्यर्थियों की ये सूची है पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी का, जबकि ये चयनित गुणांक है महिला अभ्यर्थी का, और ये वाला है विकलांग यानी कि दिव्यांग सूची जिसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों का शामिल है। इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कई मित्रों ने मैसेज किया था, जिसको काफ़ी दिन पहले से ही मैसेज किए थे, तो इसे आज अपलोड कर दिया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी अधिकतर जनपद का 69 शिक्षक भर्ती चयनित मदर लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से जा करके उन जनपद के जिस जनपद का आपको चाहिए वहाँ से देख सकते हैं। जिसे प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज अपलोड किया गया है चयनित मदर लिस्ट। कई मित्र हमारे मैसेज जो कर रहे हैं कि लिंक इस डिस्ट्रिक्ट का दे दें, तो आपको फिर से बता दें कि यह लिस्ट आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बीएससी ऑफिस से ही प्राप्त कर सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आपको चाहिए उसी डिस्ट्रिक्ट उसी जनपद पर आपको जाना पड़ेगा, बीएससी से ही लेना पड़ेगा। इसका कोई भी लिंक नहीं होता है इस डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर देखिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट अपलोड किया गया था खुद हमें जाकर कि उस जनपद पर रिसीव करना पड़ा या किसी मित्र के सहायता से लेना पड़ा, इसलिए इसका कोई लिंक नहीं है, अन्यथा हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। आपको फिलहाल हमने प्रयागराज में जब रिसीव करने गए थे तो उसका वीडियो भी था हमारे पास, जो आपको दिखा सकते हैं कि कैसे लिस्ट को रिसीव किया गया था। फिलहाल आगे आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है बैंक रोड, यहाँ पर देखिए डाट पर पहुँचने से पहले यहीं पर उतरना पड़ेगा, प्रयाग रेलवे स्टेशन यहाँ से है। और बैंक रोड से होता हुआ प्रयागराज कार्यालय पे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बाइक हमारी आगे की सीन है। बेसिक शिक्षा परिषद से अब डायरेक्ट पहुँचने वाले हैं लिस्ट के लिए। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। एलएनएन में सचिव परीक्षा नियामक है। हाँ, पीएनपी, समझे। तो दोस्तों, ये पहुंच गए हैं हम परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा और 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कराई है। और आखिरकार ये जिला प्रशिक्षण संस्थान पे पहुंच गए हैं प्रयागराज। और यहाँ पहुंचने के बाद निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सेंट एंथोनी में लिस्ट लगी है। अब हम लोग निकल लिए हैं सेंट एंथोनी कॉलेज के लिए, जहाँ पर लगी है लिस्ट। और ये पहुँच गए हम लोग क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद यहाँ पे। तो यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है, फिर क्रमांक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन संख्या, फिर नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, फिर जेंडर है, वर्ग है, विशेष आरक्षण है कि नहीं है, और गुणांक। जो लिस्ट तैयार होता है इस प्रकार से, देखिए यहीं पे, यहाँ पे देखिए गुणांक शो किया गया है कि कितना इस डिस्ट्रिक्ट का गुणांक गया था। तो यहाँ पर देखिए पुरुष वर्ग का जो गुणांक शुरू होता है 71.19 से शुरू होता है। क्रमांक एक हरिशंकर जी का है एससी कैटेगरी में 71.19। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्रमांक पे ओबीसी, क्योंकि ये 36,590 का लिस्ट है, ओबीसी 71.18। सुभाष चंद्र जायसवाल जी का है तीसरे क्रमांक को, देखिए ओबीसी 71.18 पे यहाँ पे चयन हो गया है। फिर ओबीसी का ही 71.18। ये लिस्ट कई बार कई अभ्यर्थियों द्वारा कमेंट बॉक्स में मांगा गया था, इसलिए इसको अपलोड किया जा रहा है। यहाँ पर सातवें स्थान पर अगर देखते हैं जनरल कैटेगरी 71.03, जबकि दसवें क्रमांक पर आते हैं तो जनरल कैटेगरी 70.93 गुणांक है। यहाँ पर आते हैं क्रम संख्या 14 पे, तो यहाँ पर देखिए ओबीसी 70.67 गुणांक है। वहीं क्रम संख्या 18 पे आते हैं अगर, तो ओबीसी का गुणांक है 70.59। क्रम संख्या 20 पर एससी कैटेगरी 70.45 गुणांक है। यहाँ पर कुल 29 पेज का ये पीडीएफ है, और इस पीडीएफ को बनाने में एमबी ज़्यादा चला जाता है, इसलिए ईमेल से भी नहीं सेंड हो पाता है। करीब करीब 450 से 500 एमबी हो जाते हैं जब आप मोबाइल से बनाएंगे। अगर आप इसी पीडीएफ को कंप्यूटर से बनाएंगे तो कम एमबी का होता है, जिसे आसानी से सेंड किया जा सकता है। यहाँ पर 21 क्रमांक पर ओबीसी का गुणांक 70.42 है, जबकि 24 क्रमांक पर अगर आते हैं तो ओबीसी 70.31 गुणांकित हैं। यहाँ पर 28वें स्थान पर आते हैं ओबीसी 70.20, वहीं पर 30वें स्थान पे ओबीसी 70.09,
यानी गुणांक यहाँ पर गुणा गिरा है। फिर नीचे आते हैं 34वें क्रमांक पर ओबीसी 69.97 गुणांक है। नीचे 38 क्रमांक पे आते हैं ओबीसी 69.80 गुणांक चल रहा है, जबकि 41 क्रमांक पर 69.69 गुणांक पर चयनित है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट। वहीं पर नीचे आते हैं 42वें स्थान पर क्रम संख्या पे एससी कैटेगरी 69.66 पे चयनित है, जबकि 46वें स्थान पे जनरल कैटेगरी का चयन हुआ है 69.61 पे, जबकि 48वें क्रमांक पर अगर देखें 69.49 पे चयन हुआ है। वहीं 52वें स्थान पे अगर आते हैं योगेंद्र सिंह का एससी कैटेगरी में 69.30, जबकि 57वें स्थान पर ओबीसी कैटेगरी 69.03। बात करते हैं 58वें स्थान पे 69.03। वहीं 62वें स्थान पे अगर बात करें 68.99 गुणांक है। 63 स्थान पे ओबीसी 68.98। 69वें स्थान पे अगर देखें तो 68.78। आप वीडियो को रुक करके भी देख सकते हैं क्योंकि बड़ा वीडियो है इसलिए टाइम ज़्यादा ना लगे। 77वें स्थान पे देखें तो ओबीसी 68.56। 83वें स्थान पे अगर देखें ओबीसी 68.41। बात करते हैं 84वें स्थान पर तो 68.39 जनरल कैटेगरी, जबकि 87वें स्थान पे बात करें तो ओबीसी 68.28। वहीं 91वें स्थान पे 68.20, जबकि बात करते हैं 97वें स्थान पे 68.14 गुणांक है। फिलहाल 104 पर देखें ओबीसी कैटेगरी का गुणांक 68.05। 71.18 से शुरू हुआ सफर ओबीसी का 68.08, फिर 104 पर 68.05 गुणांक पर आकर रुका। यहां पर 105 पर 68.05 है। 109 पर बात करें ओबीसी 68.02, जबकि जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर देखिए जनरल कैटेगरी का 68.03 है गुणांक। 114 पर अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी 67.92 गुणांक था जो चयनित हुए हैं। यहाँ पर चयनित लिस्ट है, ये बीएससी ऑफिस द्वारा जारी किया गया है लिस्ट। 117 पर अगर देखें तो जनरल कैटेगरी 67.85 गुणांक है। वहीं 120 पर ओबीसी 67.87 गुणांक है। 125 पर यहां पर जनरल कैटेगरी 67.77 गुणांक है। 126 पर अगर देखें तो जनरल कैटेगरी 67.76 गुणांक है। 128 पर ओबीसी 67.74 गुणांक है। वहीं 132 पर अगर बात करें ओबीसी की 67.67 गुणांक पर चयन हुआ है, जबकि 136 पर जनरल कैटेगरी का जो चयन हुआ है 67.64 पर। वहीं ओबीसी कैटेगरी का चयन 67.64 पर ही हुआ है, जबकि नीचे आते हैं 142 पर 67.60 पर जनरल कैटेगरी का चयन हुआ है। वहीं 146वें स्थान पर देखें ओबीसी 67.57। क्रम संख्या की बात करें 147 पर 67.56। 151 पे बात करें ओबीसी कैटेगरी 67.55, जबकि 156 पे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी 67.52। 160 पर जनरल कैटेगरी 67.50। 164 पर 67.49। वहीं 167 पर ही 67.47 जनरल कैटेगरी। क्रम संख्या 168 पर ओबीसी कैटेगरी 67.47, जबकि 174 पर अगर देखें तो ओबीसी 67.43। और यहां पर देखिए 181 पर सूर्या बली ओबीसी 67.38 पर चयन हुआ है। 188 भी अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का 67.35। फिलहाल पीडीएफ संख्या 10, पेज संख्या 10 चल रहा है टोटल 29 पेज का। 189 पे अगर हम बात करें ओबीसी 67.35। 197 पे जनरल कैटेगरी 67.33 गुणांक चल रहा है। 205 पर 67.31 गुणांक है। 209 पे जनरल कैटेगरी 67.30 है। क्रम संख्या पे बात करें 210 पे तो 67.30। 214 पे बात करें ओबीसी 67.28। वहीं अगर बात करते हैं 219 पर तो जनरल कैटेगरी 67.24 गुणांक चल रहा है। 226 पे अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी 67.22। 230 पर हम बात करें अगर तो यहां पर ओबीसी कैटेगरी 67.21।
231 पर जनरल कैटेगरी 67.20 पर चयनित हुए हैं, 239 पर जनरल कैटेगरी 67.19, 246 पर जनरल कैटेगरी 67.18, 247 पर ओबीसी कैटेगरी 67.17, 251 पर आनंद तिवारी मेल जनरल कैटेगरी 67.17 पर चयन हुआ है इनका, 252 पर 67.16 ओबीसी, 258 पर जनरल कैटेगरी 67.15 पर चयन हुआ है। वहीं बात करते हैं अगर 266 पे जनरल कैटेगरी 67.14, 272 पे अगर हम बात करें तो 67.14 पर चयन हुआ है ओबीसी कैटेगरी का। वहीं 273 पे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का तो 67.13, 277 पे यहाँ पर जनरल कैटेगरी 67.13, 281 पर जनरल कैटेगरी 67.12, 288 पर जनरल कैटेगरी 67.12, 293 पे 67.10, 294 पे ओबीसी कैटेगरी 67.08, 298 पे बात करें ओबीसी 67.07, 301 पर ओबीसी 67.04, 306 पर मोनू गुप्ता का चयन हुआ है ओबीसी में 67.00 पर, 312 पर अगर देखें तो ओबीसी 66.99 गुणांक, जबकि 314 पर 66.98 पर चयन हुआ है ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी का, 315 पे 66.98 गुणांक पर चयन हुआ है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का, 320 पर ओबीसी कैटेगरी 66.97 पर चयन हुआ है, 327 पर ओबीसी 66.96 पर चयन हुआ है, जबकि 335 पर ओबीसी का 66.95 पर चयन हुआ है, यानी कि 330 से लेके 335 तक 66.95 गुणांक पर चयन हुआ है, 336 पर फिलहाल ओबीसी का गुणांक 66.94 चल रहा है, जबकि 342 पर ओबीसी का 66.93 गुणांक चल रहा है। बात करते हैं 350 पर तो ओबीसी 66.91, 355 पर ओबीसी 66.91, वहीं क्रम संख्या 357 पर ओबीसी 66.90 गुणांक है। बात करें 363 पे तो ओबीसी 66.89, 365 पर ओबीसी 66.89 गुणांक है, 370 पे अगर हम बात करें ओबीसी की 66.88 गुणांक है, 374 पे 66.88 गुणांक ही है। वहीं क्रम संख्या 378 पे अगर देखें तो ओबीसी का गुणांक 66.88 है, 383 ओबीसी कैटेगरी गुणांक 66.87, 388 पर ओबीसी 66.86, 395 पे ओबीसी कैटेगरी 66.85, 398 पे यहाँ पर चयनित हैं हिटलर पुत्र राम दुलार ओबीसी 66.84, 398 पे हिटलर जी चयनित हैं, 399 पे बात करें तो ओबीसी कैटेगरी 66.84, 399 पे ओबीसी कैटेगरी 66.84, 403 पर ओबीसी 66.83, 410 पे ओबीसी 66.82, 416 पर एससी कैटेगरी 63.99, 414 पे एससी कैटेगरी 64.37 गुणांक था, 419 पे एससी कैटेगरी 63.50, 420 पर एससी कैटेगरी की गुणांक 63.41, 425 पर एससी कैटेगरी 63.02, 432 पर एससी कैटेगरी 62.47, 437 पर एससी कैटेगरी 62.14, 440 पर देखें तो एससी कैटेगरी का गुणांक 62.09 पर चयन हुआ है यहाँ पर, इससे पहले ओबीसी 62.13 पर भी चयन हुआ है। पीडीएफ संख्या 22 चल रहा है, 441 एससी कैटेगरी 62.07, 448 पर देखें एससी कैटेगरी गुणांक 61.76 गुणांक पर चयन हुआ है। वहीं 457 पर एससी कैटेगरी 61.58, जबकि 461 पे 61.55 पर चयन हुआ है।
462 पे बात करें 61.52, 468 पे एससी कैटेगरी गुणांक 61.44, 470 पे 61.44, 475 पे अगर हम देखें तो 61.34 और 481 पर 61.28 पर चयन हुआ है एससी कैटेगरी की अभ्यर्थी का। 483 पे एससी कैटेगरी 61.25 गुणांक, 488 पर भी 61.24, 492 पे अगर देखें तो 61.22, 498 पे 61.19, 503 पर 61.18, 504 पर एससी कैटेगरी गुणांक 61.18, 514 पर एससी कैटेगरी गुणांक 61.15, 520 पर 61.1 की गुणांक है, जबकि 524 पर 61.08 गुणांक है, 525 पर 61.08, 530 पर एससी कैटेगरी 61.07, 536 पर 61.07 गुणांक है, 540 पर अगर देखें एससी कैटेगरी 61.07, 545 पर एससी कैटेगरी 61.06, 546 पर एससी कैटेगरी 61.06, 553 पर एससी कैटेगरी का अगर देखें तो 61.06, 560 पर एससी कैटेगरी 61.05, वहीं 566 पे भी 61.04 गुणांक है, 567 पे 61.04, 574 पर 61.03, 582 पे देखें तो एससी कैटेगरी 61.02 ही गुणांक है, 587 पर 61.02 ही गुणांक चल रहा है, 29वां नंबर का ये पेज है पीडीएफ का, 588 एससी कैटेगरी 61.02 गुणांक है, वहीं 593 पे भी एससी कैटेगरी 61.02, 600 क्रमांक पर देखें एससी कैटेगरी 61.01 और 604 पर देखें एससी कैटेगरी 61.01। वो टोटल मेल वर्ग का गुणांक था, यहाँ पर देखिए ये फीमेल वर्ग का गुणांक, ये भी टोटल पीडीएफ 29 पेज का ही है महिला अभ्यर्थियों का। तो यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों का जो कुल 29 पेज में है, तो इस पेज को सेकंड वीडियो में अपलोड किया जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है।